व्हाट इज अप इंटरेस्टिंग स्क्वाड, क्या हाल चाल। अगर आप फॉरलाइट 84 के फैन हो, फॉरलाइट 84 खेलते हो, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। एंड वो न्यूज ये है कि बहुत जल्द फॉरलाइट 84 में एक बड़ा वाला अपडेट आने वाला है, जो कि आपको देखने को मिलेगा 27 जुलाई को, इसी महीने 27 तारीख को अपने को देखने को मिलने वाला है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड किया है, जिसमें से मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। चलो फिर लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ व्हाट्स न्यू में इन्होंने दे रखा है। इसमें कोई नया मैप तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जिनमें से एक है ब्रांड न्यू बैटल पास आपको देखने को मिलेगा, जिसको इन्होंने नेम दिया है मेट्रो फैंटेसी करके। उसके अलावा नीचे देखें तो ऑल न्यू लॉटरी इवेंट, एक लॉटरी इवेंट भी इन्होंने नया निकाला है। एंड इसके अलावा न्यू सीजन जैसे मैंने बताया वो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर हम फीचर्स में और ऑप्टिमाइजेशंस में जाएं, तो सिस्टम में इन्होंने वीकली और मंथली कार्ड समथिंग कुछ ऐड किया है। इसके अलावा बैटल पास तो मैंने बताई दिया, हीरोज और सिस्टम वॉइस ओवर्स को भी इन्होंने चेंज कर दिया है। जो सिस्टम वॉइस ओवर्स और हीरोज के वॉइस ओवर्स थे वो चेंज किया है, स्पेसिफिकली मैगी की जो इंग्लिश वॉइस एक्टर थी उसको चेंज कर दिया गया है। उसके बाद सेटिंग्स में अगर हम देखें तो सेटिंग्स में अभी तक हमें गायरोस्कोप देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इन्होंने रिवर्स गायरोस्कोप भी ऐड किया है। अब आपको पता है क्या होता है तो मुझे बताना यार कमेंट में, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या होता है। गायरोस्कोप पता है, बट रिवर्स गायरोस्कोप क्या हुआ ये नहीं पता। और इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो, बाकी क्या आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा रैंक मैच अगर हम देखें तो इन्होंने रैंक मैच में हमने इन्होंने डेथ मैच को ऐड कर दिया है। रैंक मैच में अभी तक नहीं था, बट अब इन्होंने इस वाले अपडेट के साथ डेथ मैच को भी रैंक्ड मैच में ऐड कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम कस्टम रूम्स में देखें तो अभी तक हम कस्टम रूम में अगर हम डेथ मैच खेलते थे तो उसमें सिर्फ एक ही मैप हम ऐड कर पाते थे, लेकिन इस अपडेट के साथ हम दोनों मैप को ऐड कर पाएंगे कस्टम रूम में, जो कि हमारा टिन मैन इंडस्ट्रियल एरिया और पोलर पॉइंट है। सर दो ही मैप है हमारे TDM में तो। और इसके अलावा आप बाकी की चीज़ें पढ़ सकते हो उसमें से पॉज करके। एंड इसके अलावा स्पेक्टेटर टूल था, वो जो एक नया टूल इसमें ऐड किया गया है, जो कि आई थिंक पहले नहीं था, आई थिंक क्या पहले था ही नहीं, और बहुत ज़रूरत थी इस वाले टूल की। एंड वो है हमारे स्पेक्टेटर टूल्स। इसमें जो प्लेयर्स हैं वो आराम से देख सकते हैं गेम को, और इवन डांस मूव्स भी इन्होंने कुछ ऐड किए हैं, देखना पड़ेगा किस टाइप के। अगर हम देखें बैटल एडजस्टमेंट में तो इन्होंने हीरोज में भी थोड़ा बहुत चेंज किए हैं, थोड़ा बहुत ट्विक्स वगैरह किए हैं एक तरह से। उनकी स्किल जो है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं, वो आप पूरा पढ़ ही सकते हो यार क्या क्या चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम देखें व्हीकल्स में देखें तो अगेन व्हीकल्स में भी इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज करी हैं। और इसके अलावा वेपन्स में अगर हम देखें, जैसे आप असॉल्ट राइफल में देख सकते हो, जुपिटर 6 जो है हमारी राइफल है उसकी बुलेट साइज रिड्यूस कर दी गई है, जबकि बेस मैगजीन कैपेसिटी जो जुपिटर 6 है उसकी इंक्रीज कर दी गई है। सेम इन्वेडर में बुलेट साइज को इंक्रीज कर दिया गया है, एज वेल एज फायरिंग स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया है। एंड इसके अलावा इन्वेडर बेस मैगजीन कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर दिया गया है। वैसे ही AK-77 में इन्होंने डैमेज जो था उसका वो इंक्रीज कर दिया गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हो, एंड इसके अलावा अगर हम SMG देखें तो उजी में इन्होंने मैगजीन को हटा दिया गया है, और जो डैमेज था उजी का वो इंक्रीज कर दिया गया है, और बैलिस्टिक्स को एडजस्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा आप अगेन आगे आप देख सकते हो पॉज करके, स्नाइपर में अगर हम देखें डिफेंडर, तो उसमें है डिफेंडर की फायरिंग स्पीड को डिक्रीज कर दिया गया है, जबकि डैमेज जो था डिफेंडर से वो इंक्रीज कर दिया गया है, और हेडशॉट कोफिशिएंट भी इंक्रीज कर दिया गया है। एंड बाकी आप देख सकते हो, एंड शॉटगन में भी सेम चीज़ें हैं। हाँ, गेम मोड में अगर हम देखें तो गेम मोड में इन्होंने एक नया मोड ऐड किया, जो कि वार्म अप मोड है। और इसके अलावा आप पढ़ सकते हो पूरा डिस्क्रिप्शन में, और लिंक मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके बाकी चीज़ें भी डिटेल में पढ़ सकते हो आराम से। और इसके अलावा हाँ, लोकेशन से अगर हम देखें तो सन सिटी में रिवोक कार्निवल को थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया है, और थोड़ा रिवोक कर दिया गया है, कम्प्लीटली रिवैम कर दिया गया है, जो उसकी कुछ बिल्डिंग्स थी उनको चेंज कर दिया गया मतलब एक तरह से। और इसके अलावा जो हमारा फॉरलाइट 84 का ये वाला वर्जन है 14.4.0.0, इसका बीटा वर्जन चल रहा है, तो उसी बीटा वर्जन में से उन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है उसमें, जो कि है वॉल रनिंग का। एंड जैसे कि आप ये क्लिप देख सकते हो, क्योंकि वो बीटा वर्जन मेरे पास है तो ये उसी का क्लिप है। इस टाइप से आप कुछ वॉल रनिंग वगैरह कर सकते हो इस अपडेट के बाद से। एंड इसके अलावा एक और न्यू फीचर ऐड किया गया है, लेकिन वो स्पेसिफिकली कैरेक्टर के लिए है, एंड वो कैरेक्टर है हमारा मैगी का। एंड इस मैगी वाले कैरेक्टर में आप रोल आउट कर पाओगे, जब भी
आप रोल आउट आराम से कर पाओगे, बट ये जैसे मैंने बोला स्पेसिफिकली मैगी की करेक्टर के लिए और किसी करेक्टर के लिए नहीं होगा ये रोल आउट वाला फीचर, जबकि जो हमारा वॉल रनिंग है वो आपके सभी करेक्टर के लिए है, तो आप सभी करेक्टर का यूज़ करके मतलब वॉल रनिंग वगैरह कर सकते हो इस टाइप से। एंड बाकी की आप डिटेल्स अगेन मैंने जैसे बोला पढ़ सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो डायरेक्ट वहाँ से जाके भी आप पूरी डिटेल्स आराम से पढ़ सकते हो। आज की वीडियो नहीं सकती यार, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और यार अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते न्यू वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट यू आर फैंटास्टिक फैंटास्टिक। We'll be right back.